का कहर देश में लगातार बढ़ रहा है और दिल्ली सरकार रोज दावा कर रही है कि सरकार की तरफ से हर संभव बचाव के उपाय किए जा रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के एक अस्पताल MS डिप्टी सुपरिटेंडेंट नर्स का वीडियो वायरल हो रहा है। आइए दिखाते हैं क्या कहती है डिप्टी सुपरिटेंडेंट नर्स। जैसा कि मैंने सुना, कल आपकी दिल्ली सरकार ने एक अनाउंसमेंट की है कि जो डॉक्टर्स, नर्सिस और अदर एम्प्लॉय जो COVID-19 पॉजिटिव पेशेंट के साथ काम कर रहे हैं, उनको पेशेंट के साथ काम करते हुए अगर कुछ हो जाता है तो दिल्ली सरकार ने उनके लिए 1 करोड़ रुपए की धनराशि देने की घोषणा की है। सर, बहुत बढ़िया कदम है आपका ये, मैं इसकी प्रशंसा करती हूँ। लेकिन इसके साथ ही मेरे पास एक और सुझाव है। छोटे छोटे इश्यूज हैं सर हॉस्पिटल में, जो हमारा स्टाफ काम कर रहा है पेशेंट्स के साथ, कुछ बेसिक चीजें उनके पास नहीं है, मिलती नहीं है, एडिक्वेट सप्लाई नहीं है, जैसे कि PPE किट विद ग्लव्स, मास्क N95 और सर तीसरी बात सैनिटाइजर्स, ये एडिक्वेट क्वांटिटी में इनकी सप्लाई नहीं है। इसमें जैसे कि 4 डॉक्टर सर ड्यूटी पे है तो 2 को ही मिल पाता है, 4 नर्सिस ड्यूटी पे हैं तो 2 को ही मिल पाता है। इस माहौल में सर अगर कोई इन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बिना कोई पेशेंट के पास जाता तो वो उसकी लाइफ रिस्क पे है, तो ये बहुत बुरी बात है। और एक पॉइंट सर अकोमोडेशन का है, जैसे कि मैंने न्यूज में भी देखा है, अखबारों में भी पढ़ा है कि अकोमोडेशन दिल्ली सरकार ने अरेंजमेंट किया है कुछ होटल्स में या कहीं और, लेकिन ये सर सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है। अभी तक जितने भी डॉक्टर नर्सिस हमारे काम कर रहे हैं COVID-19 पेशेंट के साथ, आफ्टर फिनिशिंग देयर ड्यूटी उनको घर जाना पड़ता है, क्योंकि अभी तक कुछ भी अरेंजमेंट ऐसा है नहीं कि वो यहाँ स्टे कर पाए अपने फैमिली से दूर। और उनके घर जाने का मतलब ये है कि अपनी फैमिली को इन्फेक्ट करेंगे, साथ ही साथ फिर उनके सराउंडिंग में कम्युनिटी भी है। सर, इट कैन बी ए बिग डिजास्टर, वी कैन अवॉइड इट ओनली बाय प्रोवाइडिंग दीज बेसिक थिंग्स।